प्रभु आराधना आराधना हो आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना हो आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना हो आराधना परम पिता की आराधना परम पिता की आराधना आराधना हो आराधना आराधना हो आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना हो आराधना आराधना प्रभु आराधना और जीवित उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करते हैं। आप इतने भी लोग इस वक्त अपने घरों में परिवारों से इस ऑनलाइन करुणामाला विनती में भाग लेते हैं। आज प्रभु से हम दीन याचना करेंगे कि प्रभु हम सभी लोगों को क्षमा करें। प्रभु का वचन कहता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 14 और 15, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यदि तुम दूसरों पर दया करोगे तो तुम पर भी दया दिखाई जाएगी। इसलिए बड़े आदर के साथ, बड़ी भक्ति के साथ, हृदय और आत्मा की सच्चाई से हम प्रभु से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा की आराधना पवित्र आत्मा की आराधना आराधना हो आराधना आराधना हो आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना हो आराधना आराधना प्रभु आराधना विश्वास के साथ आराधना हो आराधना हृदय खोलते हुए आराधना प्रभु आराधना जी हाँ प्रभु आराधना हो प्रभु तेरी आराधना मेरे प्रभु तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना यीशु आराधना पवित्र
पवित्रत्व तेरी आराधना, पवित्रत्व तेरी आराधना, जीवन दाता की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु 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 आराधना, आराधना यीशु जनों नतमस्तक हो जाएं इस वक्त हम दीन याचना करेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु तुमको और तुम्हारे भंडारों को और तुम्हारे सब कामों को आशीर्वाद देता रहेगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 8। तुम अपना भार प्रभु पर छोड़ दो और वह तुमको संभालेगा। वह धर्मी को कभी भी विचलित नहीं होने देगा। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5। तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। प्रभु ये वादा करता है, मैं अपने विजयी हाथ से तुम्हें संभालूंगा। आज विशेष रूप से मैं आप सबको और आपके परिवारों को प्रभु के चरणों में अर्पित करता हूँ। यीशु का आत्मा आपके परिवार पर, जीवन पर, आपके कामकाज पर, आपके बच्चों पर अधिकार लें। मैं मूसा के जैसे और प्रभु के नबियों और दासों के जैसे हाथों को उठाते हुए आप सबके लिए प्रायश्चित करता हूँ। प्रभु आप लोगों को क्षमा प्रदान करें। प्रेरितों का धर्मसार, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुमारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसी वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर
हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। जो घुटना टेक सकते हैं टेक लें, जो हाथों को उठा सकते हैं उठाएं। ये प्रायश्चित का समय है, एक दूसरे को क्षमा करने का प्रयास करें। प्रभु हमें भी क्षमा करेगा और इस भेद में हम विशेष रूप से प्रभु से दीन याचना करें कि उसने हम सबके लिए प्रायश्चित किया, उसने कोड़े खाए, कांटों का ताज उसके सिर पर पहनाया गया, उसने अपने हाथ, अपनी बगल, अपने पैर बड़ी बड़ी कीलों के द्वारा छेदवा दिए, जिससे कि मैं और आप उद्धार पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। दूसरा भेद हम समर्पित करते हैं आप सबके लिए और आपकी संतानों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिनसे जाने अनजाने में गलतियां हो गई, पाप हो गए, प्रभु क्षमा करें।
धर्माधिकारियों के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्माध्यक्षों के लिए, धार्मिक और राजनीतिक नेताओं के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु इन तमाम लोगों को पवित्रताई का वरदान दें और इनकी गलतियों और गुनाहों के लिए माफ करें। इस भेद में हम विशेष रूप से प्रभु से कहें, हमको और हमारे परिवार को क्षमा कर, हमको और हमारे परिवार को क्षमा कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हमको और हमारे परिवार को क्षमा कर, हमको और हमारे परिवार को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवार को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवार को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवार को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवार को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवार को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवार को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवार को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवार को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवार को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और हमारे परिवार को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और हमारे परिवार को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और हमारे परिवार को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और हमारे परिवार को क्षमा कर। कोई चरगाह तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चरगाह तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है। तीसरा भेद हम अर्पित करते हैं सभी पुरोहितों के लिए, चुने हुए लोगों के लिए, धर्म संघियों के लिए जो प्रभु की सेवा में हैं, सभी प्रचारकों के लिए, दास दासियों के लिए। प्रभु इन तमाम लोगों को इनके गुनाहों के लिए माफ करें। प्रभु यीशु इन्हें विश्वास में दृढ़ बनाए, जिससे कि पवित्र हृदय से, पवित्र मन से ये प्रभु की सेवा कर सकें, उसकी आराधना कर सकें। आपका जवाब होगा, हमको और सभी पुरोहितों को क्षमा कर, हमको और सभी पुरोहितों को क्षमा कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए
पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त आत्मा तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सब हमको और सभी पुरोहितों को क्षमा कर, हमको और सभी पुरोहितों को क्षमा कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हमको और सभी पुरोहितों को क्षमा कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हमको और सभी पुरोहितों को क्षमा कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हमको और सभी पुरोहितों को क्षमा कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हमको और सभी पुरोहितों को क्षमा कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हमको और सभी पुरोहितों को क्षमा कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हमको और सभी पुरोहितों को क्षमा कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हमको और सभी पुरोहितों को क्षमा, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हमको और सभी पुरोहितों को क्षमा कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हमको और सभी पुरोहितों को क्षमा कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हमको और सभी पुरोहितों को क्षमा कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हमको और सभी पुरोहितों को क्षमा कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हमको और सभी पुरोहितों को क्षमा कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हमको और सभी पुरोहितों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सभी पुरोहितों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सभी पुरोहितों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सभी पुरोहितों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सभी पुरोहितों को क्षमा कर। तूने वादा पूरा कर दिया है, अपने पाक रू से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, अपने पाक रू से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, अपने पाक रू से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, अपनी पात्रों से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मारकारी से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है, मिले मुझको हे प्रभु। बहुत से लोग बीमार हैं और तेरा वचन कहता है कि तू रोग शैया पर रोगी को सांत्वना देता है और रोगी का बिस्तर बदलता है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू अपनी दया वाला हाथ इन बीमार लोगों पर जो लकवे से पीड़ित हैं, असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, कैंसर की बीमारी, टीबी के रोग, अनेक प्रकार के इन्फेक्शंस, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन,
अस्थमा, कोरोना का वायरस, लिकोरिया की बीमारी, सोराइसिस की बीमारी, डिमेंशिया की बीमारी, हे प्रभु यीशु तमाम लाइलाज बीमारियां आज प्रभु तेरे इन भक्तों पर दया कर, जो आंसू बहाते हुए तेरे पास दौड़े चले आते हैं इन पर दया कर, इनके परिवारों पर दया कर, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवन चर्या को प्रभु क्षमा कर दे। हे प्रभु यीशु तेरा पवित्र दाहिना हाथ इनके ऊपर उतरे, तेरे पवित्र लहू से इनको सिर से लेकर पांव तक मसा कर, इन्हें अपने पवित्र लहू से ढक ले, हर वो रोग बीमारी हर दुष्ट शक्ति यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से इन्हें छोड़े और तेरे क्रूस के नीचे जल कर राख हो जाए। हे प्रभु इस विशेष कृपा के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आपका जवाब होगा हमको और सभी बीमारों को चंगाई प्रदान कर, हमको और सभी बीमारों को चंगाई प्रदान कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं, उनके दुख भोग के नाम पर हमको और सभी रोगियों को चंगा कर, हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से सच है प्रभु यीशु मैंने शिफा पाई। जी हाँ प्रभु, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई, मिली मुझको रिहाई है।
इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16। प्रभु का वचन कहता है, इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करती है। प्रियजनों, प्रभु अपने अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान है। इस वेदी से उसकी दया की किरणें निकलकर आप तक, आपके परिवार तक पहुंच रही हैं, क्योंकि इस वक्त आप मेरे साथ आत्मा में, मन में और हृदय में एक हैं। आपके परिवार को प्रभु ब्लेस करे। आप इस वक्त जितने भी लोग मेरे साथ एक मन एक प्राण होकर प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती। प्रभु आपके आंसुओं को देखता है। हे प्रभु यीशु, इन तमाम बच्चों को आशीष प्रदान कर। स्त्रोतकार लिखता है अध्याय 4 पद संख्या 1-2, मेरे ईश्वर मेरे रक्षक, मेरी पुकार का उत्तर दे। तूने मुझे सदा संकट से उबारा है, मुझ पर दया कर और मेरी प्रार्थना को सुन ले। प्रियजनों, इस वक्त हम अपनी तमाम जरूरतों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें और उन लोगों को याद करें जो निस्सहाय हैं, जो शोषित हैं, जिन पर अत्याचार किया जाता है, जो प्रभु के नाम पर सताए जा रहे हैं, जिन्हें मारा जाता है, यंत्रणा दी जाती है। प्रभु उन पर दया करे, इनके अपराधियों और जल्लादों को प्रभु क्षमा करे और उन्हें माफ करे। आपका जवाब होगा, हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी निस्सहाय लोगों पर दया कर। करुणा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, अपने पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हमारे माता पिता, भाई बहन, अधिकारियों, नेताओं और हमारे द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर, हमें अपना बनाकर अपने पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। आमेन। पवित्र हृदय के प्रति समर्पण विनती। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे प्रभु यीशु, हम तेरे निमंत्रण को स्वीकारते हुए अपने आप को
प्रियजनों को, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और सभी पुरखों को तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। सभी भाई बहनों को, विशेषकर सभी दीन दुखियों, निराश और हताश लोगों को, शराब एवं नशे की गुलामी में पड़े सभी भाई बहनों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पण करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र हृदय करुणा और प्रेम का सागर है। अपने पवित्र हृदय के अगाध प्रेम में हम सबको, हमारे प्रियजनों को डुबाने की कृपा कर। हम अपने हृदय के सभी पाप, घमंड, घृणा, क्रोध, गुस्सा, जलन, वासना, कठोरता एवं अन्य बुराइयों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन की सभी चोटों को भी तेरे पवित्र हृदय में चढ़ा देते हैं। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र हृदय के असीम प्रेम से हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन को भर दे और सभी अंदरूनी चोटों से हमें मुक्ति दिलाने की कृपा कर। हे अति मधुर यीशु, हम अपने शरीर के अंग अंग को जो कष्ट, पीड़ा एवं रोगों से ग्रसित है, तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हम अपने हृदय के हर डर, भय, घबराहट और अशांति को भी तुझे सौंपते हैं। पवित्र हृदय के अगाध प्रेम के मधुर स्पर्श से हमारे शरीर, मन, आत्मा के हर कष्ट और पीड़ा को चंगा करने की कृपा कर। आमीन। पवित्र हृदय की स्तुति विनती। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हमारी विनती सुन। हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। हे पिता ईश्वर हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सनातन पिता के पुत्र के हृदय हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो कुमारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा से बनाया गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो सत्यवता ईश्वर का शब्द है हम पर दया कर। यीशु के हृदय असीम प्रताप से युक्त हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर का पवित्र मंदिर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सर्वोच्च का तंबू हम पर दया कर। यीशु के हृदय परमेश्वर का भवन और स्वर्ग के द्वार हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रेम से जलती हुई अग्नि हम पर दया कर। यीशु के हृदय न्याय और प्रेम का भंडार हम पर दया कर। यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से भरपूर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब गुणों के अथाह समुद्र हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब प्रकार की स्तुति के योग्य हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब हृदयों के राजा और केंद्र हम पर दया कर। यीशु के हृदय समस्त प्रज्ञा और ज्ञान के भंडार हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर की पूर्णता हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न है हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता में हम सभी ने पाया हम पर दया कर। यीशु के हृदय धीरज और दया से परिपूर्ण हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रार्थना करने वालों का आसरा हम पर दया कर। यीशु के हृदय जीवन और पवित्रता का झरना हम पर दया कर। यीशु के हृदय अपमानों से दुखित हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो हमारे पापों के कारण कुचला गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय मरण तक आज्ञाकारी हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो बर्छी से छेद आ गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय हर दिलासा का झरना हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारा जीवन और पुनरुत्थान हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारी शांति और मिलाप हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारे पापों की बलि हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ में आसरा रखने वालों की मुक्ति हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ में मरने वालों का आसरा हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब संतों का आनंद हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हे प्रभु हमारी विनती सुन।
हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन, हमारे हृदयों को अपने हृदय के समान बना दे। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन, हमारे हृदयों को अपने हृदय के समान बना दे। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन, हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। अपने सिरों को झुकाइए, साष्टांग प्रणाम करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने बीमारों को समर्पित करें। प्रभु यीशु अपने दाहिने पवित्र हाथ से आपको स्पर्श करें। हमने जो मांगा है प्रभु, हमारी योजनाओं को शुद्ध करें, पवित्र करें और अपनी मर्जी के मुताबिक हमारे जीवन में पूरा करें। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, अपने पवित्र हृदय के द्वारा हम सभी लोगों को पवित्र कर दे। हमारे हृदयों को अपने हृदय के समान बना दे, जिससे तेरे जैसा मनोभाव हमारे जीवन में आ जाए। हे प्रभु, तेरी वेदी से दया के किरणें निकलकर इन लोगों तक पहुंचे, इन्हें शुद्ध कर, पवित्र कर। जितने भी लोग इस करुणामाला विनती में भाग लेते हैं, इस वक्त इनके घरों में तेरी रूह का मसा छाए। इनके घरों को तेरे पवित्र लहू से बाड़ा करता हूं। तेरे पवित्र क्रूस इनके प्रांगणों में लग जाए। स्वर्गदूत मिखाएल इनके घरों पर पहरा दे। हे प्रभु यीशु, ये तेरी ज्योति में सदा चलते रहे। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तू अपने परम प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के हृदय पर दृष्टि डाल, जिस हृदय से प्रेम, दया और क्षमा की किरणें फूट निकली, दया का झरना बह निकला। आज जो स्तुति और प्रायश्चित हम सब पापियों के लिए चढ़ाया गया है, हे प्रभु यीशु, इस पर ध्यान दे। इससे प्रसन्न होकर तेरी दया की भीख मांगने वालों पर दया कर। तेरी इस वेदी के सामने दूर दराज से आए इन सब लोगों पर दया कर। हे प्रभु, इनकी श्रद्धा भक्ति को आशीष प्रदान कर और अपनी मर्जी इनके जीवन में पूरी होने दे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की विश्वास के साथ आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा
प्रभु आपको आशीष दे। संध्या 7 बजे पुनः आपके साथ मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। तब तक के लिए आप प्रभु की आशीष में बने रहें। जय यीशु। गॉड ब्लेस यू।